हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सीरिया के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीरिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आज जानकारी देंगे। सीरिया की प्राकृतिक वनस्पति। सीरिया की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। पश्चिम तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है। शीतोष्ण सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों में ओक, मार्तिल, पपलार, ऐश, सिडर, साइप्रस, खजूर इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। तटीय भागों में नींबू और संतरा पाए जाते हैं। सीरिया के दक्षिण पश्चिमी शुष्क भागों में कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें बेर तथा खजूर प्रमुख हैं। पूर्वी भागों में जहाँ साधारण वर्षा होती है, स्टेपी घास मिलती है। इन पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। पशुपालन। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की भांति सीरिया में पशुपालन का कार्य किया जाता है, जो यहाँ का प्राचीन एवं मुख्य व्यवसाय है। पूर्वी भाग में जहाँ स्टेपी घास मिलती है, पशुपालन अधिक किया जाता है। सीरिया की कुल जनसंख्या का लगभग 26% भाग पशुपालन कार्य में लगा हुआ है। कृषि। कृषि सीरिया का प्रधान व्यवसाय है। देश की लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तथा देश की भूमि का 29% भाग पर कृषि की जाती है। सीरिया में कृषि के अंतर्गत गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, चुकंदर तथा भूमध्य सागरीय फलों की उपज की जाती है। सीरिया में कृषि सिंचाई की सहायता से की जाती है। सीरिया में सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए अनेक सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया है। गेहूं। गेहूं सीरिया की प्रमुख फसल है। कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 28% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं का उत्पादन पश्चिम तटीय प्रदेश, दमिश्क के मैदान तथा दूरान पठार पर किया जाता है। कपास के उत्पादन में बड़ी सफलता मिली है। कपास सिंचाई वाले भागों में बोई जाती है। कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र फरास नदी का किनारा तथा अलेप्पो का मैदान है। कुल कपास ओरोंटस नदी के आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। चुकंदर का उत्पादन दमिश्क के मैदानी भागों में अधिक होता है। चावल भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश में अधिक होता है। यह मुख्यतः लटाकिया मैदान तथा फरात नदी घाटी में होता है। तंबाकू अमानस पर्वत श्रेणियों के ढालों पर तथा नदियों के मैदानी भागों में उत्पन्न की जाती है। भूमध्य सागरीय रसदार फलों की कृषि के अंतर्गत संतरा, जैतून, अंगूर, अंजीर, जैतून, नींबू प्रमुख है। सूखे फलों के उत्पादन में अखरोट, बादाम, पिस्ता, छुआरा इत्यादि हैं। उत्तरी सीरिया में वृक्षों पर रेशम के
कीड़े पाले जाते हैं? खनिज पदार्थ। सीरिया में खनिज निकालने के व्यवसाय का अधिक विकास नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यहाँ सर्वेक्षण कम विकसित होना है। ऐसा अनुमान है कि सीरिया के भूगर्भ में अनेक खनिज छिपे हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक भंडार खनिज तेल का है। खनिज तेल के अलावा मिलने वाले प्रमुख खनिज इमारती पत्थर, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, रॉक फास्फेट, नमक, सिलिका तथा सल्फर इत्यादि हैं। उद्योग धंधे। सीरिया ने वर्तमान युग में उद्योग धंधों के क्षेत्र में अधिक विकास किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व यहाँ मिलने वाले सभी उद्योग गृह उद्योग के रूप में थे, लेकिन युद्ध के बाद इस देश ने तेजी से औद्योगिक विकास किया है। आज देश में अनेक बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ विशाल मशीनों के प्रयोग से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, सीमेंट, चीनी, शराब, कांच का सामान बनाया जाता है। चीनी सीरिया में चुकंदर से बनाई जाती है। यहाँ चीनी बनाने का एक विशाल आधुनिक कारखाना 1946 में खोला गया। उत्तरी सीरिया तथा दमिश्क एवं अलेप्पी में चीनी के कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग। यहाँ सीमेंट बनाने के 8 विशाल कारखाने हैं। सीमेंट बनाने के इन कारखानों का स्थानीयकरण तरतोश, एलेप्पी, हुमा, दुसार तथा मुसल मिह में हुआ है। कांच उद्योग का एक विशाल अनेक विशाल तथा अनेक छोटे छोटे वर्कशॉप हैं। सीरिया में कांच बनाने का कार्य कटाकिया, हमा तथा एलेप्पी में किया जाता है। शराब उद्योग। भूमध्य सागरीय फलों से शराब बनाना यहाँ का प्राचीन व्यवसाय है, लेकिन आधुनिक तरीके से शराब बनाने का व्यवसाय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से प्रारंभ हुआ। यहाँ अंगूर, संतरा से शराब बनाई जाती है। शराब बनाने के प्रमुख केंद्र लटाकिया, दमिश्क, एलेप्पी आदि में है। प्रमुख निर्माण उद्योग। वस्तु निर्माण उद्योग के अंतर्गत दस्तकारी, कलात्मक तथा दस्तकारी की वस्तुओं का निर्माण होता है। सीरिया के बने सुंदर कलात्मक कंबल तथा कालीन संसार प्रसिद्ध है। वस्तुओं में पीतल के बर्तन, जरी का काम, बटन तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का काम किया जाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में इस देश के परिवहन के बारे में जानकारी देंगे।